दोस्तों यदि आप पॉलिटेक्निक कोर्स में इंटरेस्ट रख रहे हैं या फिर आपके छोटे बड़े भाई इंटरेस्ट रख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इसमें हम आपको ए टू जेड जानकारी देंगे, कोर्स कैसे करना है, इसके बाद दोस्तों एडमिशन कैसे लेना है, इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, कितना स्कोप है, किस क्षेत्र में कितना स्कोप है, ए टू जेड जानकारी के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे नए साथी हैं तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी भी जरूर दबाइए। दोस्तों जब एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता है तो उसके मन में एक सवाल हमेशा आता है कि आगे जाकर के क्या करना है जिससे कि एक बेहतर जिंदगी जी सके और एक सक्सेसफुल इंसान बन सके। दोस्तों आपके फ्रेंड्स या फिर आपके फैमिली मेंबर ये जरूर कहते होंगे आपको कि भाई पॉलिटेक्निक कर लो, बहुत ही अच्छा स्कोप है। तो दोस्तों जैसे ही आप ये सुनते हैं तो आपके दिमाग में ये आता है कि पॉलिटेक्निक है क्या। तो दोस्तों इसके संबंध में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो दोस्तों पॉलिटेक्निक एक बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा कोर्स होता है जिससे आप 10th पास करने के बाद या फिर 12th पास करने के बाद कर सकते हैं। इस कोर्स की मदद से अगर आप किसी भी फील्ड में चाहे तो मैकेनिकल इंजीनियर हो या फिर सिविल इंजीनियर हो या फिर किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कोर्स पूरे 3 साल का होता है। इस कोर्स की खासियत ये है कि आप पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद डायरेक्ट किसी डिग्री के लिए बीटेक के सेकेंड ईयर यानी कि दूसरे साल में एडमिशन ले सकते हैं। यानी अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया है तो आप इसके बाद अगर चाहते हैं डिग्री करना तो आप डायरेक्ट बीटेक के सेकेंड ईयर में यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इस कोर्स में बहुत सारे कोर्स होते हैं, ब्रांच होते हैं, तो आप अपनी पसंद के हिसाब से इस कोर्स को और ब्रांच को चूज कर सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा जिसे सीईटी कहते हैं यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसको पास करना होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इस एग्ज़ाम में अच्छे रैंक्स लाना पड़ेगा तभी आपको अच्छे पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा जिसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 50 से 70 हज़ार के आसपास। और वहीं पर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो 12 से लेकर के 20 हज़ार तक आपका पर सेमेस्टर के हिसाब से फी होती है। तो कोशिश करें आपकी बेटर मार्क लाए जिससे कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके। अब दोस्तों ये भी जान लेते हैं कि पॉलिटेक्निक का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये समान रूप से दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पॉली और टेक्निक। पॉली का मतलब होता है बहुत, यानी कि बहुत सारे टेक्निक, यानी कि कह सकते हैं आपको कला के क्षेत्र में या फिर प्रैक्टिकली सिखाना, अर्थात कह सकते हैं कलाओं का ऐसा संस्था या फिर कहें तो वह कॉलेज जहां पर आपको ऐसी चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो उस फील्ड में आप आगे जा सके, जॉब कर सके और अपना करियर बना सके। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि पॉलिटेक्निक कोर्स कौन कौन कर सकते हैं, इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कौन कौन भरेंगे। यदि आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हैं तो 10th पास होना चाहिए या फिर 12th पास होना चाहिए या फिर ITI भी किए हुए तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम इंजीनियरिंग वाला होता है, ये भी इंजीनियरिंग ही है। तो दोस्तों ये जो है आप जो है 12th पास करने के बाद फॉर्म भर सकते हैं या फिर जो है आप ITI किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यदि आप ग्रेजुएशन किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, BA BSc किए हुए हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद पारामेडिकल का, दोस्तों ये आपका 12th स्तर है, जब आप 12th पास कर लेते हैं तभी आप पारामेडिकल के फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों पारामेडिकल डेंटल PMD होता है, ये आपका 10th लेवल होता है। अगर आप 10th पास हैं 35% कम से कम सभी विषय में आपका मार्क्स होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये था आपका पूरी जानकारी। नहीं हो दोस्तों आप 12th पास करने के बाद भी आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर चाहे तो ITI करने के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा जब आप 10वां पास करके एडमिशन लेते हैं। जैसे ही आप 10वीं पास करते हैं तो आप पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए फॉर्म भरते हैं जिसे CET कहते हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट।
हर स्टेट के हिसाब से एग्ज़ाम होता है, तो आप कोशिश करें पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम दें और उसमें अच्छे रैंक लाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल सके और आपको जो है फीस भी कम लगे और एक अच्छा प्लेसमेंट यानी कि जॉब और सैलरी भी मिल सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं काउंसलिंग के लिए अप्लाई कैसे करना है, कॉलेज कैसे चुना जाता है। जैसे ही आप पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको काउंसलिंग करना होता है यानी कि कॉलेज चुनना होता है। तो इसके लिए जो है आपको कौन सा कॉलेज चाहिए और ये सब ऑनलाइन प्रोसेस होता है। दोस्तों आपके रैंक यानी कि आपने कितना रैंक लाया है एग्ज़ाम में, उस हिसाब से आपको कॉलेज दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों पॉलिटेक्निक कोर्स करने के फायदे क्या क्या हैं, तो दोस्तों पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप सीधा जो है कर सकते हैं जॉब पा सकते हैं। पॉलिटेक्निक में आपको प्रैक्टिकली तरीके से सिखाया जाता है। पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद आप सीधा इंजीनियरिंग के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे ये भी बोलेंगे कि ITI करने से क्या फ़ायदा। दोस्तों ITI जो होता है वो एक ट्रेंड लेबर होता है, मजदूर होता है जो पॉलिटेक्निक वाले के अंदर काम करता है। तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप पॉलिटेक्निक कोर्स को करें, जिससे कि आप सीधा एक प्रोफेशनल जॉब पा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, जैसे अगर बात करें तो आर्किटेक्चुअल असिस्टेंटशिप, आर्ट फॉर ड्राइविंग टीचर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कैस्ट्रोमेलोजी एंड हेल्थ जो 2 वर्ष का होता है, उसके बाद केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग भी 2 तरह के होते हैं, एक हो गया कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और दूसरा हो गया पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग जो ओनली गर्ल्स के लिए होता है। उसके बाद होता है अप्लाइड आर्ट्स, ये भी केवल गर्ल्स के लिए ही होता है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, दोनों एक साथ होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी 2 तरह के होते हैं, एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरा मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद फैशन डिजाइनिंग जो केवल गर्ल्स के लिए होते हैं। उसके बाद गारमेंट फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनेबल्ड सर्विस मैनेजमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल्स होता है। तो आप सभी देख लीजिए कितने तरह के कोर्स होते हैं जो आपके स्क्रीन पर है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी करें। जैसे ही आपको कॉलेज मिल जाता है, एडमिशन प्रोसेस पूरा हो जाता है, उसके बाद आपको कॉलेज जाना होता है। जिस तरह हम स्कूल जाते थे उसी तरह से आपको कॉलेज जाना होगा, वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी आपके द्वारा सब्जेक्ट चुने जाते हैं उस सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। आपको हर एग्ज़ाम पास करना होगा यानी कि सेमेस्टर एग्ज़ाम आपको पास करना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिससे कि आपको अपनी कंपनी जॉब दे सके या फिर अच्छी सैलरी आपको मिल सके। अब दोस्तों कभी कभी कॉलेज में इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करने का मौका मिलता है। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई पूरी हो जाती है तो इसके बाद आपके कॉलेज में कंपनी आते हैं आपको जॉब देने के लिए, तो यह आपको जो है वह क्या करता है, इंटरव्यू लेता है। वह इंटरव्यू आपको क्लियर करना होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है और आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप आसानी से इंटरव्यू राउंड को क्लियर कर सकते हैं, तो जॉब पा सकते हैं। या फिर आप चाहे तो इंटर्नशिप न करके सीधा जो है डायरेक्ट BTech के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद क्या करें, तो दोस्तों इसके बाद चाहे तो आप इंजीनियरिंग के डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, डायरेक्ट BTech के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप पॉलिटेक्निक कोर्स पूरा कर सकते हैं और पॉलिटेक्निक कोर्स करने के जस्ट बाद आप जॉब पा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप ITI करते हैं तो बेहतर होगा आप पॉलिटेक्निक कर ले, डायरेक्ट जॉब भी मिल सकता है, लेकिन ITI करने के बाद आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगा, आपको फिर से कोई और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये जो है एक हेल्पिंग कह सकते हैं, एक साइड कोर्स होता है ITI।
जिसको करने के बाद आपको दूसरा एग्जाम क्लियर करना होगा, उसके बाद आपको जॉब मिलेगा। तो अच्छा होगा आप पॉलिटेक्निक करें, सीधा जॉब भी हो सकता है, या फिर आगे भी पढ़ाई करना चाहे तो आप आगे भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, नोटिफिकेशन पर ऑल क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों को इस तरह के नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप चाहते हैं किसी और के संबंध में जानकारी लें तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आगे का वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, तो हम उस पर भी जरूर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।